इधर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि आचार संहिता लगने के आसपास टिकट वितरण का काम होगा, जिसमें हमारे टिकट तय हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रत्याशी को पैसा बांट रखा है, प्रत्याशियों को 20-20 करोड़ रुपए दे रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूट डाला और उसका पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में पहुंच चुका है। 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए उनको दे दिए जा रहे हैं प्रत्याशियों को। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं, समय आने पर आचार संहिता लगने के आसपास ही चुनाव की घोषणा, टिकट वितरण का काम होगा। हमारे सब करीब करीब सब तय है, समय आने पर सब काम हो जाए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।